दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक वीडियो लाया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। असल में क्या है कि अभी कोलकाता में 5000 सिविल वॉलंटियर बोलते हैं शायद, उसका जॉब निकला है दोस्तों। तो बहुत सारे अच्छा जॉब है दोस्तों, ये जॉब आप चाहे तो कर सकते हैं। असल में क्या है कि ये जॉब सरकारी है, पर इसका जो सैलरी है लगभग 8000 रुपये तक है शुरुआत में। पर अगर आप इस जॉब को अच्छी तरह से करें तो धीरे धीरे आपका पोस्ट चेंज हो सकता है, प्लस आप सिर से होम गार्ड के पोस्ट में जा सकते हैं, प्लस वहां से आपकी सैलरी और भी बढ़ सकती है दोस्तों। देखते हैं क्या है कि आसपास एरिया में आपको इसके बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं दोस्तों, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। उस फॉर्म में डिटेल दिया रहता है दोस्तों, उसमें जिस तरह से आपका क्वालिफिकेशन है या जो भी है उसको आपको फिलअप करने के बाद एक पासपोर्ट फोटो भी लगता है दोस्तों। देखिए, ये बात पूरी तरह से गलत है दोस्तों, ये मेरा मानना है पूरी तरह से गलत है कि अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं तभी आपको सरकारी जॉब मिलेगा, वरना आप सरकारी जॉब नहीं कर पाएंगे। ये बात गलत है। अगर आप में टैलेंट है और करने की इच्छा है तो आप कोशिश करते रहिए, आपको सरकारी जॉब मिलेगा। हाँ, ये कहना सच है कि सरकारी जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, पर कोशिश करने में क्या जाता है। अभी लगभग कोलकाता में 5000 लड़कों के लिए जॉब निकला है दोस्तों, जिसमें आपको हर डिपार्टमेंट में अलग अलग सिविल वॉलंटियर का मांग है, जिसका फॉर्म काफ़ी आसानी से आपको अवेलेबल होता है दोस्तों मार्केट में। अगर आप चाहो तो फॉर्म आप उठा सकते। देखिए, मैंने भरा था, भरने के बाद इसका रिपोर्ट भी आया था, तो मुझे लगा देखो इतना अच्छी बात है, आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, मैंने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद करीब 1 वीक के अंदर एक इंटरव्यू का कॉल आया, देने के लिए भी मैं गया था। तो वो इंटरव्यू देने के लिए भी मैं गया था। देखिए, सबसे अच्छी बात है, इंटरव्यू जब बुलाया जाता है दोस्तों, काफ़ी मॉर्निंग में बुलाया जाता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। अगर आपको 8 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो आपको परफेक्ट 8 बजे ही जाना पड़े, ऐसा कोई बात नहीं। घंटा लेट से भी जाते हैं दोस्तों तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा दोस्तों। देखिए, वहाँ का कुछ सिनारियो मैं आज आप लोगों को साथ शेयर करना चाहता हूँ, इंटरव्यू किस तरह से हुआ है और किस तरह से वहाँ पर इंटरव्यू होता है, प्लस इंटरव्यू में किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं, ये मैं आपको संक्षेप में बता। जब आप इंटरव्यू वहाँ पर देने जाएंगे तो देखिए काफ़ी भीड़ होता है, करीब 2000 लड़के आते हैं दोस्तों। तो अब ये नहीं कि आपको सुबह अगर इंटरव्यू देने के लिए गया तो आपको रात 8-9 बजे आना पड़ता है, ऐसा बात नहीं। उन लोग काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं दोस्तों, जो भी लड़के जाते हैं उसे बहुत क्विक और बहुत इजी वे से इंटरव्यू लिया जाता है दोस्तों, जिससे आसानी से किसी का टाइम लॉस ना वापस आ जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ, इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे जाते हैं और जो सवाल पूछे जाते थे दोस्तों, उस सवाल का जवाब क्या होता है। अब मेरे साथ जो सवाल पूछा गया था मैं वही बताता हूँ, ऐसा बात नहीं है दोस्तों कि आपसे भी यही सवाल पूछे जाएंगे। हर जगह अलग अलग सवाल, मतलब हर बंदे से अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारे बंदे से पता किया, मेरे लाइन काफ़ी पीछे था तो डिफरेंट तरह पूछ रहे थे उन लोग, पर मेरे साथ कुछ रहते हैं जिसके पर यहाँ तो आपको जनरल नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए ताकि आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि पूछा गया था मुझसे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बड़ा ईजी से सिंपल है, ऐसा स्टेट है जो कमर्शियल स्टेट कहते हैं। तो देखिए, ये तो आपको शायद नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, अगर कोलकाता ही है जो कमर्शियल स्टेट है। और मुझसे पूछा गया था कि साउथ में 3 राज्य के नाम, तो मैंने बताया था दोस्तों कि केरला, तमिलनाडु और विशाखापट्टनम, इस तरह का मैंने बताया था। और प्रधानमंत्री, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं दोस्तों। इंटरव्यू हुआ दोस्तों, इंटरव्यू होने के बाद बताया गया है कि करीब 1 वीक या आपको 2 वीक के अंदर आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा कि आपको ज्वाइनिंग मिला है या नहीं। देखिए, कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों, मैंने अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ। तो देखिए, कोशिश करने में क्या जाता है, अगर आपको सरकारी जॉब करना है या थोड़ा सा अगर आप कोशिश कर लेते हैं, अगर आपका खुदा करे कि आपका नसीब अगर अच्छा हो तो ये जॉब अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा ना दोस्तों जॉब के लिए। और कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता, मैं हर वीडियो में ही अक्सर कहता हूँ दोस्तों। तो आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, लगभग अभी 5000 सिविल वॉलंटियर का जॉब निकला है कोलकाता में, मैंने पता किया, इंटरनेट वगैरह में भी है दोस्तों, अगर आप चाहो तो वहाँ पर भी जाकर पता कर सकते हो। एक वीडियो लाया था दोस्तों आप लोगों के लिए, असल मैं गया था, मैंने इंटरव्यू दिया लाइफ में पहली बार, तो मुझे थोड़ा लगा कि नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और उसका जो सिनारियो होता है वो मैंने आपको संक्षेप में बता दिया है दोस्तों। तो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों। बाय दोस्तों।